तो हमारा सबसे पहला अपडेट है यह है म्यूज इंडिया से लेकर। तो म्यूज इंडिया बहुत जल्दी एक न्यू एनिमे लाने वाले हैं और उन्होंने हिंट दिया है कि ये कौन सा एनिमे होने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए कि ये एनिमे कौन सा है। जो दूसरा अपडेट है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट है और ये है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो नेटफ्लिक्स पर फाइनली मोनोनोके का हिंदी डब भाई आ चुका है। जो इसका मूवी है ये भाई आ चुका है, अब ये स्ट्रीम हो रहा है, तो आप जाकर आराम से इसको भाई नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और इस हिंदी डब एनिमे में कौन से वॉइस एक्टर ने किस कैरेक्टर को डब किया है उनका नाम भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन से कैरेक्टर को किस वॉइस एक्टर ने डब किया है। और बहुत ही सारे दिग्गज वॉइस एक्टर ने भाई डब किया है। और नेटफ्लिक्स की ना सबसे ज्यादा बढ़िया बात ये है कि वो भाई एक ही वॉइस एक्टर से मल्टीपल कैरेक्टर्स की डबिंग नहीं करवाता है, जिससे भाई डबिंग की जो क्वालिटी है वो भाई इतनी ज्यादा बढ़िया होती है। वरना भाई क्रंची रोल तो भाई क्या ही बोलूं, एक ही वॉइस एक्टर से बहुत सारे कैरेक्टर्स को डब करवाता है। और सोनी, और बात की जाए सोनी का, तो उसके पास इतना ज्यादा पैसा है लेकिन फिर भी भाई गिने चुने वॉइस एक्टर से ही बहुत सारे कैरेक्टर्स की डबिंग करवाता है, जो कि बेकार बात है। जो अगला अपडेट है ये है री जीरो सीजन 3 से लेकर। तो इसके बाकी के जो भाई कैरेक्टर्स के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। और हाँ, बहुत सारे लोग भाई पूछ रहे थे कि इसका भाई डायरेक्ट सीजन 3 ले आया म्यूज इंडिया ने, सीजन 1 और सीजन 2 कहां गया। तो सुनो यार, गोकू ऑफिशियल रियल से हमें पता चला है कि इसका जो सीजन 1 है और जो इसका सीजन 2 है उसकी डबिंग अभी ऑन गोइंग है, तो बहुत जल्दी आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। जो अगला अपडेट है यह है विच गर्ल्स एक्स म्यूजिक बैंड ओरिजिनल टीवी एनिमे से लेकर। तो इसका एक कोलैब विजुअल बाहर आया है और जो ये एनिमे है ये आने वाला है अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट अपडेट जो है ये बहुत ही ज्यादा अटपटा अपडेट है, तो आपको बताना चाहूंगा कि यूएस के स्कूल्स में बहुत सारे एनिमे को बैन कर दिया गया है, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसेन, तो और भी बहुत सारे एनिमे को बैन किया गया है। तो वो कौन कौन से एनिमे हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब यार क्या ही बताऊं कि ऐसे ऐसे भाई बेहतरीन एनिमे को भाई बैन कर दिया गया है और कहा ये जा रहा है कि इसमें हमें बहुत ही बेकार उस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं जो कि भाई उस तरह की चीजों को प्रमोट करती है, वॉयलेंस और वो वाली चीजें जो मैं नाम नहीं लूंगा वरना वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है पोकेमोन होरिजोन से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो हिंदी डब है वो अभी प्रोग्रेस में है, कि जो इसका न्यू एपिसोड्स है उसका डबिंग अभी प्रोग्रेस में है, तो बहुत जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो अपडेट है यह है डेथ नोट मॉन्स्टर इस तरह के एनिमे से लेकर। तो अगर आपको ऐसे एनिमे पसंद आते हैं और इस तरह के ही आप बहुत सारे एनिमे देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको उनके नाम दिख रहा होगा, देख लो मजा आ जाएगा। जो अगला अपडेट है यह है वन पीस सीजन 1 के हिंदी डब से लेकर। तो बहुत सारे लोगों का ये भाई अक्सर सवाल रहता है कमेंट सेक्शन में कि भाई नरूटो में यार 500 एपिसोड्स हैं और जो सोनी ये है पर डे उसका भाई 2 एपिसोड्स भाई दिखाता है, इसलिए भाई बहुत जल्दी 500 एपिसोड्स तक भाई वो पहुंचने ही वाला है, क्योंकि अभी भाई लगभग भाई जो आधा एपिसोड्स है 500 से आधा एपिसोड्स इतने कम टाइम में ही भाई लगभग आधे एपिसोड्स हमें दिखा दिए गए हैं, लगभग 220 या समथिंग। और जिस तरह से सोनी ये काम कर रहा है तो इस हिसाब से 2025 के एंड होते होते भाई नारुतो शिपुडेन पूरी तरह से भाई खत्म हो जाएगा। और वहीं बात की जाए कार्टून नेटवर्क इंडिया की, तो भाई वन पीस में भाई लगभग भाई 1000 से ज्यादा एपिसोड्स है और वो हर संडे को बस भाई दिखाएगा, जिसमें से भाई वो 4 या 5 ही एपिसोड्स दिखाएगा, जिसमें से बहुत सारे रिपीट एपिसोड्स भी होने वाले हैं। तो इस हिसाब से भाई वन पीस खत्म होने में तो भाई 50 साल लग जाएंगे। वैसे 1000 एपिसोड्स से याद आया कि डिटेक्टिव कोनन में भी भाई कुल मिलाकर 1000 समथिंग एपिसोड्स हैं और ईटीवी बाल भारत रैंडमली भाई उसको बस दिखाता है, कभी 1 दिखाया, कभी 2 दिखाया, कभी भाई 10 दिखा दिया, फिर 24 दिखा दिया, फिर एपिसोड नंबर 200, मतलब इस तरह करके भाई वो दिखाता है। मतलब कि जो मेन एपिसोड्स होते हैं कैनन एपिसोड्स वही उसको वो दिखाता है, जो फिलर एपिसोड्स है उसको भाई वो स्किप कर देता है। तो ईटीवी बाल भारत का भी अलग ही भाई स्ट्रेटजी चल रहा है, तो देखते हैं कार्टून नेटवर्क इंडिया भाई क्या करता है। जो अगला अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल जी से लेकर और ये है भाई बायोलॉजी का बुक से लेकर। तो शायद से अगर आप क्लास 9 में हो या आप जब क्लास 9 में होंगे तो आपने ये बुक तो भाई जरूरी खरीदा होगा या पढ़ा होगा।
क्लास 9 में, और इस बुक में भाई एक चैप्टर था, चैप्टर 2, जिसमें हमें दिखाया गया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में। और पहले भाई जब मैं ये पिक्चर देखता था ना इसमें सेल का, तो मुझे लगता था कि किसी ने फोटोशॉप करके ये डाला है, लेकिन एक्चुअली में जो ये बुक है आपको ये फ्लिपकार्ट में भाई मिल जाएगी, और भाई फ्लिपकार्ट में आप ये बुक को खरीद सकते हो। और इस बुक के अंदर एक्चुअली में सेल का भाई हमें फोटो देखने को मिला है, परफेक्ट सेल का। मतलब यार कितनी बड़ी बात है यार कि ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर हमें भाई इस बुक में देखने को मिला, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी भाई इंडियन बुक में, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं क्लास 9 में था तो मेरे बायोलॉजी के बुक में ये सेल वाला चैप्टर तो था, लेकिन भाई सेल नहीं था उस टाइम इसमें। आप लोग भाई कमेंट में जरूर बताना कि आपके बुक में भाई ये था या नहीं था। जो अगला अपडेट है ये है अटैक ऑन टाइटन का जो स्पेशल मूवी निकला है उससे लेकर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये फिल्म आप लोग यार देखने जाओगे तो आप अपने साथ टिश्यू पेपर लेके जाना, क्योंकि भाई ये फिल्म देखने टाइम आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा, आप लोग फूट फूट कर बुरी तरह रोने वाले हो। नेक्स्ट अपडेट है मी एंड द एलियन मूमू से लेकर। तो ये जो एनिमे है ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जो कि आएगा 2025 में। जो अगला अपडेट है ये भी बड़ा अपडेट है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सोलो लेवलिंग का जो हिंदी डब है ये एक्चुअली में आने वाला था 6 दिसंबर को, लेकिन इसको कर दिया गया है प्रीपोन, और अब आपको ये देखने को मिलने वाला है 4 दिसंबर से। मतलब 4 दिसंबर से ही अब आप इसको देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। जो अगला अपडेट है ये है वन पीस की मूवी 1 से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वन पीस का जो भाई प्रोमो आया है उसमें हमें भाई जो नामी का सीन दिखाया गया है ये मूवी का सीन है। तो एक्चुअली में ये बात भाई कंफर्म हो चुकी है, और ऐसा लीक बाहर आया है कि इसका जो मूवी 1 है वन पीस का, ये कार्टून नेटवर्क पर आएगा। जो अगला अपडेट है ये है लुकिज्म से लेकर। लुकिज्म का जो मानमा है, जो वेबटून है इससे लेकर, तो इसके भाई 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल से भाई ये चल रहा है। और सच बताऊं तो लुकिज्म का नाम पहले मैंने सुना ही नहीं था, जब मैंने भाई लुकिज्म का एनिमे देखा नेटफ्लिक्स पर, और वो मुझे इतना ज्यादा बढ़िया लगा कि फिर मैं भाई उसका सीजन 2 का वेट नहीं कर पाया। और उसका जो वेबटून मानवा है मैंने 300 चैप्टर्स तक नॉन स्टॉप हर दिन भाई मैं पढ़ता ही गया, मतलब रात दिन मैं भाई पढ़ता ही रहता, जैसे मुझे भाई टाइम मिलता था मैं भाई उसे पढ़ता था। मतलब कोई भी मैं भाई काम कर रहा हूँ मेरे दिमाग में भाई यही चलता था कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, मतलब एक हाइप रहता था कि भाई आगे क्या होगा, मतलब एक्साइटिंग लगता था भाई पढ़ने में। और 300 चैप्टर्स तक जो मैंने पढ़ा है ना भाई, बहुत ही ज्यादा भाई बढ़िया लगा, लेकिन 300 चैप्टर्स के बाद मुझे वो बोरिंग लगने लगा, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट अपडेट है भाई क्रंची रोल से लेकर। तो जो क्रंची रोल इंडिया है वो भाई कॉमिक कॉन करने वाला है दिल्ली में, वो भी राणा दग्गुबाति के साथ, जो कि भाई सोलो लेवलिंग में किसी करेक्टर को हिंदी में डब करने वाले हैं, जो बारका है जो कि मेन करेक्टर है उसको, तो काफी अच्छी बात है। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है यार थैंक्स गिविंग परेड से लेकर, जो कि हुआ था अमेरिका में। और आपको बताना चाहूंगा कि ये 98 परेड था, जहां गोकू का जो बैलून है उसको भाई हवा में उड़ाया जा रहा था, मतलब काफी अच्छी बात है। अगर इंडिया में भी भाई ऐसा गोकू का यार परेड निकाला जाएगा तो क्या आप लोग वहां पर जाओगे, कमेंट में जरूर बताना। जो अगला अपडेट है ये है एनिमैक्स से लेकर। तो एनिमैक्स पर 2 न्यू एनिमे भाई आ चुके हैं, वो कौन कौन से हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है भाई न्यूज एंकर से लेकर। तो जो न्यूज एंकर है उन्होंने भाई नेशनल टीवी पर वन पीस का जो अचीवमेंट है उसके बारे में भाई बताया था, ऐसा न्यूज दिया था। इसके बाद बताना चाहूंगा कि जो न्यूज एंकर है जिसका नाम है एल रॉकर, तो उन्होंने जो सैयन का भाई प्रोनाउंसिएशन है उसको सही से भाई प्रोनाउंस किया था नेशनल टीवी पर। जो अगला अपडेट है ये है माय हीरो एकेडमिया ए पीस ऑफ अ केक एनिमे से लेकर। तो इसका जो एडेप्टेशन है वो अनाउंस हो चुका है, और इसका जो ब्लूरे डीवीडी है ये रिलीज होने वाला है 19 फरवरी 2025 को जापान में। इसके बाद रानमा 1/2 का एपिसोड 9 का प्रीव्यू बाहर आया है। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।